हरे कृष्णा। तो हमारे रामेश्वर धाम यात्रा में आपका स्वागत है और आज हम सब आए हैं श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की कृपा से रामेश्वर धाम में। लोग पूछते हैं यहाँ पर क्या गलती ना करें। वैसे विशेष पता होना चाहिए कि हमारे चार धाम प्रमुख हैं। पहला धाम है बद्रीनाथ धाम, जहाँ पर भगवान ने नर नारायण रूप में प्रकट होकर सतयुग में ध्यान तपस्या करी। एक दिन अगर तपस्या करें तो 1000 वर्षों का फल मिलता है। उसी प्रकार त्रेता युग में भगवान राम ने इसी समुद्र के किनारे आकर के स्नान किया। आप देख सकते हैं समुद्र का स्वभाव है उद्दंड होना, लेकिन उद्दंड ना होकर यहाँ शांत है, क्योंकि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने इसी स्थान पर, आप देख सकते हैं अग्नि तीर्थ स्थान, यहाँ पर चार द्वार हैं। इन चार द्वारों पर ही लक्ष्मण जी को राम जी ने कहा था कि मैं सीता जी की अग्नि परीक्षा लेना चाहता हूँ, और उन्होंने लकड़ियाँ लगाकर आग यहाँ पर प्रकट करी। उसमें सीता जी प्रवेश करी और अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। हम देख सकते हैं जिस प्रकार सीता माता ने कलंक से कि वो रावण के स्थान पर 10 महीने रहकर आई हैं, निवृत्ति पाई। इस स्थान पर स्नान करने से सारे के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। और स्वयं राम ने रावण जैसे ब्रह्म ऋषि, जो कि पुलस्त ऋषि के प्रपौत्र और विश्वरूप ऋषि के संतान थे, उनका वध करने के बाद भगवान ने अगस्त ऋषि के कहने पर इसी स्थान पर स्नान किया। वैसे भगवान को कोई पाप लगता नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान ने कहा कि चलो भाई मर्यादा बनानी है तो स्थान पर स्नान कर लेते हैं। भगवान ने यहाँ स्नान किया। त्रेता युग का ये स्थान है रामेश्वरम, और द्वापर युग में भगवान ने द्वारकाधीश में श्रृंगार करते हैं भगवान। और वहाँ पर आप द्वारका में जाएं तो देखेंगे सुदामा जी का स्वागत किया था भगवान ने, अपने व्यास आसन पर बिठाया था, उनको पानी पिलाया, प्रसाद खिलाया, पंखा झलाया, क्योंकि वो उनके मित्र थे प्रेम के कारण। जिस प्रकार से द्वारकाधीश ने सुदामा से प्रेम किया, वैसे ही भगवान राम ने शिव से प्रेम किया। अगर भगवान कृष्ण ने सुदामा से प्रेम किया तो क्या सुदामा भगवान हो गए? वैसे ही भगवान राम ने अगर यहाँ पर शिवजी की ओर प्रेम किया तो क्या शिवजी भगवान हो गए? रामेश्वर शब्द का अर्थ है राम ईश्वर इति ही रामेश्वर, यानी कि राम जिनके ईश्वर हैं वो हैं रामेश्वरम शिवलिंग। यहाँ पर वैष्णवों को बताया गया कि भगवान राम कहते हैं मद भक्तानाम पूजिकाम अधिक, मेरे से ज़्यादा मेरे भक्त की पूजा होनी चाहिए। तो रावण का वध करने के बाद भगवान ने इसी स्थान पर रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना करी। कैसे करी है ये हम आपको बताएंगे कि भगवान राम जब वध करके आए तो उन्होंने सभी ऋषि मुनियों से बात करी और हनुमान जी को कहा कि जाओ कैलाश पर्वत और जाकर के मेरे लिए शिवलिंग ले आओ। हमें यहाँ पर एक बार रावण का वध किया है, शिव जी का भक्त था, कहीं ऐसा ना हो कि शिव जी का अपयश फैल जाए कि उनका भक्त मारा गया। तो भगवान राम ने उनको थैंक यू बोलना था, धन्यवाद, और धन्यवाद बोलने के लिए यहाँ पर सीता जी रेत से शिवलिंग बना रही थी और उधर हनुमान जी कैलाश पर्वत से शिवलिंग लेने के लिए गए। लेकिन जब लौट कर आए तब तक मुहूर्त निकला जा रहा था। सीता जी बोली देखो 14 वर्ष भरत ने बोला था, अगर एक दिन भी देर हो गई तो फिर भरत अपने प्राण त्याग देंगे। इसी कारणवश हम देखते हैं कि भगवान राम ने कहा चलो जल्दी जल्दी पूजा करें। तो रेत का आप देख सकते हैं यहाँ पर रेत से शिवलिंग बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऐसे करके एक शिवलिंग बना दिया गया और ऐसे करके यहाँ पर ये ऐसे कर दिया और ये शिवलिंग की स्थापना हो गई और ऐसे शिवलिंग बना दिया उन्होंने और इस पर आकर के जल चढ़ाया, अभिषेक किया, तो ये हो गया शिवलिंग, पूजा हो गई समाप्त। लेकिन जब हनुमान जी आए तो उन्होंने कहा अरे आपने तो रेत का शिवलिंग बनाया है, मैं कैलाश से शिवलिंग लेके आया हूँ, इसका क्या होगा? तो भगवान राम ने कहा कि देखो हनुमान, अगर आने वाले युगों में कोई भी व्यक्ति तुम्हारे शिवलिंग की पूजा के बिना मेरे शिवलिंग की पूजा करेगा तो उसको पूरा फल नहीं मिलेगा। आप लोग यही गलती करते हैं, प्रोसीजर नहीं पता धाम में आकर के क्या करना चाहिए। कुछ लोग नहाते रहते हैं, कुछ लोग खाते रहते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग भगवान का सीधा दर्शन करने चले जाते हैं। इसकी विधि क्या है? सबसे पहले आप आएँ रामेश्वरम धाम में, अग्नि तीर्थ स्नान करें। अग्नि तीर्थ स्थान आपको बताया जहाँ पर अग्नि परीक्षा हुई, और वहाँ पर अग्नि तीर्थ स्थान पर आकर के आपको स्नान करना चाहिए। गीले कपड़ों से अंदर जाना चाहिए मंदिर के। वहाँ पर 22 तीर्थ हैं, सरस्वती तीर्थ, गंगा तीर्थ, यमुना तीर्थ, गणित तीर्थ, सध्या तीर्थ, शिव तीर्थ, सर्व तीर्थ, ये सभी पापों से मुक्ति करने का स्थान है। कोड़ी तीर्थ, ऐसे ऐसे अनेक अनेक तीर्थ आपको स्नान करना चाहिए। 22 कुओं के जल से आपका स्नान पूर्ण हो जाए उसके बाद आपको पहले हनुमान जी के द्वारा लाए गए 2 शिवलिंग हैं, पहला है काशी विश्वनाथ, उनका दर्शन, और उसके बाद होता है रामेश्वरम शिवलिंग का दर्शन। उसके बाद पार्वती का दर्शन, यानी कि जो पर्वत वर्धनी माता, उनका दर्शन, और उसके बाद होता है दर्शन किसका? बाहर आकर के पाताल से प्रकट हुए हनुमान उग्र स्वभाव में। कभी आपने हनुमान जी को गुस्से में नहीं देखा होगा, लेकिन यहाँ हनुमान जी क्रोधित हैं, दांत ऐसे उग्र रूप में हैं, दांत दिख रहे हैं, कह रहे अरे शिव जी आपने तो पूजा कर दी राम जी शिव जी की, लेकिन हमारी शिवलिंग की पूजा कौन करेगा?
तो फिर उग्र स्वभाव को शांत करते हुए भगवान ने कहा, चलो हनुमान एक काम करते हैं, तुम्हारा जो दूसरा शिवलिंग तुम लेकर आए हो उसको हम बाहर मंदिर के बाहर प्रांगण में लगा देंगे, ताकि जो भक्त अगर इसका पूजा नहीं करेगा उसको भी पूरा फल नहीं मिलेगा। तो उसको कहते हैं आत्मलिंगम शिवलिंग, जो कि बाहर उग्र हनुमान पाताल हनुमान का दर्शन के साथ आपको मिलेगा। तो दो शिवलिंग हैं, पहले काशी विश्वनाथ शिवलिंग, उसके बाद रामेश्वर शिवलिंग, और तीसरा शिवलिंग आत्मलिंगम। ये पूर्ण परिक्रमा करने के बाद ही आपको काशी जैसे जाने का फल मिलता है, वैसे ही संपूर्ण रामेश्वरम का फल प्राप्त होगा। और कलयुग में है जगन्नाथ जी, जो कि कलयुग के लोगों का उद्धार करते हैं, जिसे अन्न क्षेत्र कहते हैं। तो रामेश्वरम आइए, चार धामों में से प्रमुख धाम है, शिव जी का धाम नहीं है, राम जी का धाम है और राम जी के भक्त का धाम है। तो यहाँ पर हनुमान जी ने एक बात कही कि जो ये शिवलिंग सीता जी ने बनाया तो रेत का है ना प्रभु, ये तो टूट जाएगा। तो भगवान बोले तो ट्राई करके देख लो। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ पूरी शिवलिंग पर बांध दी और खींचने का प्रयास किया, और देखते हैं थाम करके उनकी पूंछ ही टूट गई। सारे लोग हंसने लग गए। हनुमान जी बोले कैसे हुआ? भगवान बोले ये शिवलिंग इतना अटल है, आज नहीं कल नहीं करोड़ों करोड़ों युगों तक प्रलय काल में भी ये शिवलिंग कभी नष्ट नहीं होगा, इसलिए इसकी उपासना की जाती है। लेकिन शिव जी से मांगे क्या, मांगना चाहिए राम नाथ महादेवा मम रक्षा करुणा निधे, हे करुणा निधे हमारी रक्षा करो। या सततम ब्रूयात कलो नाशो न बद्धते। कलयुग में ऐसा कोई कलयुग का लक्षण नहीं जो उस व्यक्ति के ऊपर रह जाए जिसने रामेश्वर शिवलिंग की इस विधि से पूजा करी हो। तो आए तो विधि ना भूलें, प्रॉपरली करें, ताकि आपसे कोई गलती ना हो और आप पूरा फल लेकर निष्पाप होकर अपने घर जाएं। हरे कृष्णा।